37 सांसद जीतने का जो काम किया है, और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मेनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे यह बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। और जितनी भी प्रशासन का प्रयोग ये लोग कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगी, क्योंकि जहां यहां चुनाव खत्म होगा वहीं पे 25 नवंबर को लोकसभा भी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय करेल की विधानसभा रहेगा। तो जिस तरह आप सब ने एक साथ मेनपुरी से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया था, मुझे पूरा भरोसा है कि करेल के सभी हमारे युवा कार्यकर्ता, सभी आदरणीय बुजुर्गजन और माताएं बहने इस बार भी इतिहास रचने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गजनों का, सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।